दोस्तों, मैं पूजा, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल किचन टू किचन में। आज हम बनाने वाले हैं ऑरेंज जूस। ऑरेंज जूस सभी को बहुत पसंद आता है और ये हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत ही लाभदायक है। ऑरेंज में काफी मात्रा में विटामिन सी पाया जाता है जो हमारी इम्यूनिटी को स्ट्रांग करता है। ऑरेंज जूस बनाना बहुत ही आसान है, तो चलिए शुरू करते हैं ऑरेंज जूस बनाना। दो ऑरेंज लिया है, चाट मसाला 1 टीस्पून लिया है, ब्लैक पेपर पाउडर 1/4 टीस्पून लिया है, चीनी 3 टेबलस्पून लिया है, आइस क्यूब लिया है, नमक 1/4 टीस्पून लिया है। तो सबसे पहले हम ऑरेंज को छील लेंगे। तो पल्प निकाल लिया ऑरेंज का मैंने, और जो ये छिलका बचा है उसे हम फेंकेंगे नहीं, इसे अच्छे से धूप में हम सुखा देंगे और सुखाने के बाद इसका हम मिक्सी में पाउडर बना लेंगे। तो बहुत ही अच्छा नेचुरल फूड कलर बनके इससे रेडी होता है। और ये ऑरेंज कलर हम 1 साल तक इसका पाउडर यूज़ कर सकते हैं। तो जो पल्प निकाला था हमने वो मिक्सी के जार में डाल देती हूँ मैं। अब मैं इसमें नमक डाल दूंगी, चाट मसाला डाल देंगे और चीनी डाल देंगे, आइस क्यूब डाल देंगे और इसे 1 मिनट के लिए हम मिक्सी में अच्छे से ब्लेंड कर लेंगे। ऑरेंज जूस बनाना बहुत ही इजी और पीने में बहुत टेस्टी लगता है। 1 मिनट हो गया है, मैंने निकाल लिया है जूस को। छन्नी के हेल्प से हम जूस को छान लेंगे। स्पून से हम अच्छे से स्ट्रे करते हुए जूस को अच्छे से छान लेंगे। जो भी जूस में एक्स्ट्रा बचा होगा, जो नहीं ब्लेंड हुआ रहेगा, वो छन्नी के हेल्प से निकल जाएगा। देखिए जो बचा है उसे हम फेंक देंगे। जूस हमने छान लिया है अच्छे से। देखिए अभी जूस बहुत ही गाढ़ा है, तो इसे हम एक बार और ब्लेंड करेंगे। अब मैं इसमें 1 ग्लास पानी डालूंगी। और इसे हम 30 सेकेंड के लिए फिर से ब्लेंड कर लेंगे। तो जूस बनके बिल्कुल रेडी है। अब हम इसे ग्लास में सर्व करते हैं। देखिए कितना प्यारा कलर आया है जूस का। और साइड से हम ऑरेंज कट करके लगा देंगे, उससे जूस जो है बहुत ही फ्रेश दिखेगा। देखिए कितना अच्छा लग रहा है दिखने में, और पीने में बहुत ही ज्यादा टेस्टी लगता है। और ऊपर से मैं ब्लैक पेपर डाल रही हूँ, अगर आपको नहीं पसंद है तो मत डालिए, ये ऑप्शनल है। तो देखिए बहुत ही यम्मी और टेस्टी बना है जूस। आप अपने घर पे जरूर इसे बनाइए और पीजिए। अगर आपको मेरी ऑरेंज जूस की रेसिपी अच्छी लगी है तो आप अपने घर पे इसे जरूर ट्राई कीजिए और अपना एक्सपीरियंस कमेंट द्वारा मेरे साथ शेयर कीजिए। आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।